बांग्लादेश में कहाँ से? बांग्लादेश के ढाका से। ढाका से। और आप? मैं फाहिम अहमद, बांग्लादेश में राजशाही से, कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट BHU। ओके। और आप सर? वी हैव ए गुड रिलेशन बिटवीन ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक नेपालीज, भूटान, मालदीव्स एंड तिब्बत एंड सो मेनी कंट्रीज। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड we have heard from Bangladesh that BHU is one of the most decent biggest university and one of the most prestigious university in India. That's why you chose BHU. Yes. वहाँ बांग्लादेश में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बहुत बढ़िया है, अच्छा है? हम एक्सेलेंट करने की और भी कोशिश करेंगे ना। The most important thing of your video is that you always try to give the informative video. Okay. That is so nice and we always like your video because your video has so many informatives. Okay. So you can see we are a fan of you. कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब लग। अरे आप लोग भाग क्यों गए भाई? आइए आइए। अरे साबा साबा। From Bangladesh. Oh yeah. इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम BHU। अभी नए नए आया है ना? Freshers. मेरा तो दो दिन हुआ, जस्ट दो दिन हुआ। मेरा दो दिन हुआ। आपका वीडियो देखा है, ये हॉस्टल आप रिव्यू करा था? ये हॉस्टल हाँ हमने रिव्यू किया था, बहुत पहले। मैं बहुत पहले से ही आपका वीडियो देखता था। हाँ, ओनली BHU के लिए तो ओनली आप ही रिव्यू देते हो BHU को, वही अन्य मैंने वो और कोई भी चैनल नहीं है मैंने BHU का रिव्यू देने। नहीं दे रहा है क्या? देता है, बट डिटेल्स आप देता हो? डिटेल्स एक डेटा क्या हमें एक्यूरेट डेटा मिलता है? हाँ हाँ, एक्यूरेट जो भी आप दिखाया वो सही है। क्या नाम है? मेरा नाम है तनवीर। तनवीर फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहाँ से? बांग्लादेश के ढाका से। ढाका से। और आप? मैं फाहिम अहमद, बांग्लादेश में राजशाही से, कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट BHU। ओके। और आप सर? My name is Jubairasan Joy. I am from Bangladesh and I live in Mymenshing state. Okay. From Bangladesh. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा IR मेरा बहुत कमज़ोर है, इंटरनेशनल रिलेशन जो भी सब्जेक्ट है बहुत कमज़ोर है, इसको मजबूत धीरे धीरे, ये प्रोसेस का कमाल है, हम करते रहेंगे। तो और बताइए, यहाँ पे BHU आने में कैसा लगा, क्या फील हुआ? ना BHU बहुत अच्छा है हमारा, ये हमारे लिए इंटरनेशनल जो हॉस्टल है वो बहुत फैसिलिटी दे रहा है। फैसिलिटी पूरा A1 5-star हॉस्टल है ये BHU का। हाँ हाँ। और हॉस्टल का कोई बात नहीं होगा, हॉस्टल अच्छा है, बढ़िया है। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। हम तीनों का ही कंप्यूटर साइंस। तीनों लोग का कंप्यूटर साइंस है, मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट? और भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, सब कंप्यूटर साइंस में। हम चलिए, लोग हमसे बोल रहे थे कि BSc कंप्यूटर साइंस टॉप ब्रांच होता है BSc का, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, और ये मैथ्स जब ऑनर्स हम भरते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तब हमें ये मिलता है शायद ना। हाँ, हम लोगों का तो डायरेक्ट एप्लीकेशन में एडमिशन हुआ है। हम लोगों का CUET के थ्रू होता है। आप लोगों का भी? हम लोगों का फॉरेन कोटा और है, ऑनलाइन पे एप्लीकेशन करना पड़ता है पहले, फिर बाद में एडमिशन हो जाता है। किसी को जो जिसको जिसको चुनते हैं ये लोग उसको लेते हैं, चुनते हैं। और किस डोमेन मतलब किस साइट पे जा करके कौन सा फॉर्म भरना होता है, जैसे फॉरेन जाने के लिए कुछ अलग फॉर्म भरना होता है, कौन सा फॉर्म भरा कि आप BHU चले आए? वैसे वैसे कुछ नहीं है, जो फॉर्म है जो वेबसाइट पे फॉर्म है BHU का, उसमें जाके फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद जो एडमिशन के पेमेंट है 3000। हाँ, 3000 ही लगा। हाँ, 3000 ही लगा। उसके बाद हमको ऑफर लेटर मिला, हम वीसा किया, उसके बाद चले आए इधर। अच्छा, और बताइए क्या बोले? मैं बहुत पहले ही आना चाहता था बट मेरा वीसा होने में 45 days लग गया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया जो स्टूडेंट के लिए ये अगर थोड़े मैंने फास्ट आ जाता तो अच्छा होता। मेरा 45 days लग गया वीसा होने में। वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा बनने में इतना समय लग रहा है, और जिसकी भी ये गलती है या फिर जो भी ये चीज़ें संभालता है थोड़ा इस चीज़ों को देखे, जानने की कोशिश करे। इनका तो बन गया, और भी कोई रोकेगा 45 दिन का वो लगेगा। अगर किसी का एडमिशन भी क्या बोलते हैं डिक्लाइन हो जाए तो वो क्या करेगा? हाँ, और विद इन अ टाइम इंटरवल हमें कहीं पहुँचना होता है। और हम यहाँ क्लासेस तो आ गए, अगर अभी अभी और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो नहीं वीसा मिला अभी तक। हाँ, अगर उसका एडमिशन कैंसिल हो गया तो उसका लाइफ में दिक्कत आ जाएगा ना। अच्छा, इंटरनेशनल हॉस्टल दिखाइए तो इसको। इंटरनेशनल हॉस्टल अभी मैं लेकर के जा रहा था कैमरामैन को अंदर, तो पता चला कि लड़कियां अलाउड नहीं इंटरनेशनल हॉस्टल में, और पूरे BHU को मालूम है कि लड़कियां अलाउड हैं इंटरनेशनल हॉस्टल में।
अलाउड है ना, वो ओनली फॉर ओनली बॉयज हॉस्टल है, लेकिन हमारा जो बांग्लादेश का अलादा किचन है तो वहाँ पे वो मेस तक जा सकता है, वो खाना वाना खाते हैं, लेकिन मतलब बाहर खाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए वो लोग यहाँ के खाते। क्लासेस ऑपरेट हुई हैं एक भी दिन चली क्लासेस के? अभी तो क्लासेस नहीं चली, अभी नहीं, नहीं। अब एडमिशन चल रहा है। एडमिशन और ये हॉस्टल अलॉट हो गया होगा? हाँ। फीस कितना लगा इस इंटरनेशनल हॉस्टल का? 12,000 ये पहले मैंने एडिशनल चार्ज है, ये वन टाइम 3 इयर्स के लिए वन टाइम चार्ज। सर हिंदी में लोग बात कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश हमें आती है, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट BHU, अबाउट योर एजुकेशन। BHU एजुकेशन इज वेरी very fine and we are very satisfied about BHU. When I come to BHU, we are seeing that the environment of this hostel is very fine and all international students are very good, and we have a good relation between all international students like Nepalese, Bhutan, Maldives and Tibet and so many countries. So we are very happy, and we have heard from Bangladesh that BHU is one of the most decent biggest university and one of the most prestigious university in India. That's why you chose BHU? Yes, that's why we chose, and its computer science departments are very good. Very good. Yes. पहले से हम कुछ सोच लेते हैं कि हम जहाँ जाने वाले हैं ऐसा है वैसा है, BHU के बारे में जैसा सोचा था और यहाँ पे आए कुछ वैसा लगा? मेरे को हॉस्टल के बारे में ऐसा मत सोचा, मैंने ही सोचा था, बट हॉस्टल बहुत अच्छा है और हमारा अभी तक क्लास नहीं शुरू हुआ, इसलिए एजुकेशन के बारे में अभी तक उतना नहीं मालूम है। अगर क्लास शुरू हो जाए तो एजुकेशन क्वालिटी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और हमारा कंप्यूटर साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस की स्किल हम लोगों को नीचे माने अपने को बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे आते हैं, इंडिया में रहते हैं, कहीं ना कहीं बांग्लादेश एम्बेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, आपको चीज़ों को सुरक्षित या फिर आप सेफ यहाँ पे हो क्या हो चाहिए, तो क्या खबर लेते रहते हैं वहाँ से, पूछते रहते हैं उन लोग? नहीं, ये तो नहीं हुआ, बट अगर हमको वीसा और कुछ का प्रॉब्लम हो जाए तो बांग्लादेशी एम्बेसी में ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। तो भाई वहाँ एजुकेशन मतलब इंडिया का हम बोल सकते हैं कि इंडिया में टॉप टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ऐसे ही मिनी मोर, वहाँ बांग्लादेश में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बहुत बढ़िया है, अच्छा है? देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन बांग्लादेश आर फेमस, लाइक ढाका यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी of engineering, that's called BUET in short. So there are a lot of university, they are very famous, and in this country many students are very fight to admit there. So there are a lot of university are famous. You people are rich or middle class man? Middle class students can admit here. No problems. I'm from Rajshahi, and Rajshahi University is best. Okay. I mean, one of the best in Bangladesh. Okay. And tell me something about the universities of Bangladesh. University of Bangladesh, the Dhaka University are very prestigious as like the BHU in India. तो यहाँ पे जो BHU का जो मान है वो ढाका यूनिवर्सिटी को हम वैसे ही मानते हैं। तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, वहाँ पे भी वो ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत जो स्टूडेंट है पूरा बांग्लादेश की, तो वो एंट्रेंस एग्जाम देके वो यहाँ पे, लेकिन हम मेरे को ये BHU अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बड़ा, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बाहर से जो दिखा यहाँ आके उससे भी अच्छा लगा। फ्यूचर ऑप्शन हम बातें करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, हम माइक थामे तो हमें लगता है ना कुछ बनने वाले हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रोसेस में लगे हुए हैं। आपका क्या प्रोसेस है, क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? आई वांट टू गो साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस, सो आई वांट टू बिकम ए डाटा साइंटिस्ट। व्हाट अबाउट योरसेल्फ? सेम? नहीं, प्रोग्रामर और गूगलर। वाह, एंड यू टेल मी अबाउट
computer science and no, tell me about the destination, final destination. Final destination. Final destination is एक डाटा साइंटिस्ट होना चाहिए गूगल में अगर मिल जाए तो यहाँ पे मैं सुना जो बहुत सुना बहुत गूगल गूगल आते हैं अमेजोन आते हैं बहुत बहुत बड़े प्लेसमेंट के प्लेसमेंट आप लोगों ने सुना बीएचयू में प्लेसमेंट मिलता है बीएचयू में नहीं आईआईटी में आते हैं और वो लोग चाहते थे बहुत स्टूडेंट आ जाता माने बहुत स्टूडेंट क्या बोलते हैं बहुत फॉरेन स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट में बैठते हैं उसके बाद अच्छा पैकेज जो मिलने के बाद वो जॉब करते हैं ये आज आईआईटी में आते हैं हम लोग भी उधर बैठ सकते हैं ऐसे सुना हूँ मैं बैठ सकते हैं और क्या भाई यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा है ना कोई दिक्कत बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको बीएचयू में मिलेंगी लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जब से आप यहाँ पे आए हैं कुछ भी प्रॉब्लम आई है कि ये प्रॉब्लम सही कर देनी चाहिए तो सही रहेगा We have no problem even now, so all is okay. Okay. And the Indian people are so very cooperative person. They helped us. I am not I not speak in Hindi properly, but we have no problems. I speak English. I also not well in English, but overall the people of Indian they helped us a lot of. When we buy something, they can understand our language. हमारा चैनल कैसा लगा कैसा है Your channel is so excellent and we have seen a lot of video from Bangladesh and we also see the review of international hostels and we also see the review of campus, the BHU campus. So that is so nice for Thank me. Thank you so much. क्या बोल रहे थे आप मैं बोल रहा था मैं आपका बहुत वीडियो देखा सब वीडियो देखा हम भी देखा वीडियोस हम अच्छे से बनाते हैं कुछ गलत तो नहीं करते उसमें आपका इन्फॉर्मेशन इज सो गुड जैसा हमने बताया था यहाँ पे आकर के वैसी सारी चीज़ें मिली आप जब आए थे तब शायद ये रूम पे अंदर नहीं घुसा था जस्ट हॉस्टल के अंदर घुसा था उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था ये पूरा बिल्डिंग तब देखा था दैट वाज फाइन हम एक्सीलेंट करने की और भी कोशिश करेंगे ना The most important thing of your video is that you always try to give the informative video. Okay. That is so nice and we always like your video because your video has so many informatives. Okay. So you can see we are a fan of you. कितना अच्छा लग रहा है यार मतलब लगता है कि हमने कुछ मतलब लगभग साल भर हो गए इस हॉस्टल का पूरा वीडियो बनाए एक साल बीत गया हाँ. उसके बाद हमें रिव्यू मिलता है और उस वीडियो का रिव्यू मिलता है जिसपे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं गए हैं हाँ. लाखों व्यूज नहीं अच्छा गए हैं उस पे बहुत कम लोगों ने देखा लेकिन जिसके पास पहुंचना चाहिए था वो वीडियो पहुंच गया हाँ. तो काफी अच्छा लगता है ये रिव्यू देख करके और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन देना अपना ज्ञान नहीं देना ठीक है आप कितने ज्ञानी हो बाद में एक अलग वीडियो बना करके दे लेना बस इन्फॉर्मेशन दो ट्रू इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे चीज़ें बेकार हैं तो इसको बेकार बोल के दिखाएंगे बल्कि उसके ऊपर बैठ नहीं जाएंगे कि ये नहीं दिखे ये नहीं दिखे बदनामी होगी नहीं वो दिखेगा कोई ना कोई बदलेगा दिखाना पड़ेगा या तो ये हम कर रहे हैं और भी कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है ट्रू इन्फॉर्मेशन में बिलीव रखिए और देखिए यही होती है फैन फॉलोइंग आप बिना कुछ सोचे कोई भी काम करिए ना yes, हमने yes. तो कभी नहीं सोचा था कि हमें ये भाई लोग आज मिलेंगे हाँ. हमें एक इंटरव्यू हम भी नहीं मिले हम भी नहीं सोचा था हम आपका वीडियो देखा था मैं आई वॉज थिंकिंग दैट आपके साथ अगर मिल जाए तो अच्छा लगेगा बांग्लादेश से आए इंडिया से और मेरे को तो दो दिन हुआ आप दो दिन बाद मिल गए इधर तो भी इंटरनेशनल हॉस्टल के सामने बहुत अच्छा लग रहा है इंटरनेशनल हॉस्टल हमारा एक स्पॉट हुआ करता है क्योंकि आप देखिए पीछे सारे जितने भी यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं बैठने के लिए जो भी इन्वायरमेंट है बहुत ही कूल है बढ़िया है तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे शांति भी रहती है इस चेयर पे बैठ करके बढ़िया से दो लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं तो हम यहाँ पे चले आते हैं और लगभग मतलब हफ्ते में 3-4 दिन हम लगभग आते रहते हैं यहाँ पे तो ये हमारा भी एक पार्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे आए कुछ और यहाँ पे बहुत लोग मिलते रहते हैं और रूम हमने आपको दिखाया है इस पूरे हॉस्टल ये जो पूरा फ्लैट है मेरा रूम पे एक बार आ जाए हाँ बिल्कुल थोड़े दिन बाद अब अलॉटमेंट फाइनल हो गया तो आप जरूर आएंगे रूम नंबर क्या मिले रूम नंबर 305
सिंगल अलॉटमेंट है कि डबल? डबल डबल अलॉटमेंट है यहाँ पे लोगों को मिलता है। अभी हम मिले थे इंटरनेशनल हाउस कॉम्प्लेक्स के कुछ दोस्तों से और बीच में कुछ वीडियोस कट गए थे, रुक गया था, उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको लगे कि हम किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिल रहे हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में पढ़ाई कर रहा है, तो हमें उससे क्या पूछना चाहिए, कैसी इन्फॉर्मेशन हम उससे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ पहली बार होता है। हमने पहली बार या दूसरी बार शायद किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को कवर किया और हमारे पास ज़्यादा पूछने के लिए प्रश्न नहीं होते, शायद हम पूरी प्रश्न पूछ भी चुके होते हैं। तो जो भी कुछ छूटा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।